वर्ल्ड कप के खत्म होते ही इन खिलाड़ियों के करियर पर लगा फुल स्टॉप। अपने देश के लिए खेला आखिरी मैच। तो दोस्तों कौन से हैं ये खिलाड़ी, जानते हैं डिटेल के साथ इस छोटी सी वीडियो में, लेट्स गो। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गया है तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो बढ़ चलते हैं दोस्तों हम अपनी वीडियो की ओर। वर्ल्ड कप 2023 की समाप्ति हो चुकी है और बहुत से क्रिकेट फैंस के लिए ये बहुत ही मायूसी भरा रहा है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के रिटायरमेंट की खबर क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी मायूसी ला सकती है। विश्व क्रिकेट के ऐसे बहुत से खिलाड़ी आए हैं दोस्तों जो वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट होने का प्लान बना चुके हैं। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं। नंबर वन पे है क्विंटन डीकॉक, दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक, जो कि हमें वर्ल्ड कप 2023 के बाद शायद खेलते हुए ना दिखाई दे, क्योंकि डीकॉक ने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि वर्ल्ड कप के बाद वे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर के 155 मैचों में 6770 रन बनाए हैं, जिसमें 21 शतक भी शामिल है। दोस्तों डीकॉक हमें भले ही ओडीआई में खेलते हुए ना दिखे, पर T20 मैच हमें खेलते हुए जरूर दिखने वाले हैं और वे हमें IPL में भी नजर आएंगे। नंबर दो, डेविड विली, इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी डेविड विली भी इस लिस्ट में शामिल है। डेविड विली ने दोस्तों ये पहले ही बता दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। डेविड विली ने अपने ODI करियर में 70 ODI मैचों में 94 विकेट हासिल किए हैं, वही T20 क्रिकेट में उन्होंने 43 मैच में 51 विकेट हासिल किए हैं। नंबर तीन, नवीन उल हक, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक नवीन उल हक ने क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही वो क्लियर कर चुके थे कि वो वर्ल्ड कप के बाद ODI क्रिकेट हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं, लेकिन हाँ दोस्तों वो T20 क्रिकेट हमें खेलते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। नवीन उल हक की अगर बात करें तो उन्होंने 15 ODI मैचों में 22 विकेट हासिल किए हैं और वे महज 24 साल के ही है। 24 साल की उम्र में ODI क्रिकेट से संन्यास लेना कितना सही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर चार, बेन स्टोक, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी में से एक बेन स्टोक ODI क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे, पर वर्ल्ड कप को देखते हुए उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी की। पर दोस्तों यह वर्ल्ड कप भी उनके लिए उतना खास नहीं रहा, उनको अपनी फॉर्म और फिटनेस से काफी जूझते हुए देखा गया है। अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड कप के बाद वे फिर से ODI क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं, पर हाँ दोस्तों हम उनको टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देख सकते हैं। तो ये थे चार बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों जो कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद हमें ODI क्रिकेट में आगे खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सीखना वे, तब तक के लिए जय हिंद।